नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीने की वायरिंग कैसी होती है, जैसे कि आप अपने घर घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, जीनों पर चढ़ते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि एक स्विच लगा है और उस स्विच को आप जब दबाते हैं तो बल्ब जो लगा हुआ है वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद जब आप ऊपर चढ़ कर जाते हैं और एक स्विच और होता है और जब उसको दबाते हैं तो वही बल्ब जो ऑन हुआ था वही ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक बल्ब जो है वो दो जगह से कंट्रोल कर रहा है, किया जा रहा है। तो इसी को दोस्तों जीने की वायरिंग या स्टेयर केस वायरिंग कहते हैं, जब हम एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, इसी वायरिंग को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वर्क प्लेस पर हम लोग तो दोस्तों यहां पर हमें जीने की वायरिंग में दो स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। जिन स्विच से हम उस बल्ब को कंट्रोल करेंगे वो ये स्विचेस हैं। और दोस्तों, ये नॉर्मल स्विच नहीं है, इनको टू वे स्विच बोला जाता है। और नॉर्मल स्विच आप देखे होंगे तो आपको दिखता होगा कि स्विच में दो पॉइंट पीछे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन पॉइंट हैं, एक, दो और तीन। तो ये स्विच आपको दिख रहे हैं, ये दो टू वे स्विच हमने लिए हैं। उसके अलावा एक बल्ब और कुछ वायर्स के टुकड़े हमने लिए हुए हैं इस वायरिंग को करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। देखिए, ये आपको स्विच दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले ऐसे सीधा करके आप पलट लीजिए, और इनके बाहर के दोनों जो पॉइंट हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को एक वायर से शॉर्ट कर दीजिए। तो शॉर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक यहाँ पर कनेक्ट कर लिया और दूसरा पॉइंट मैं नीचे वायर्स में कनेक्ट कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके इस तरीके से टाइट कर दीजिए, और इसी तरीके से हम जो ऊपर वाले पॉइंट हैं अपने, उनको भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने नीचे वाले वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, और अब ऊपर वाले जो वायर्स हैं उनको मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से कनेक्ट करके अब आप देख सकते हैं वायर के टुकड़े जो है वो स्विच के जो बाहर वाले पॉइंट निकले होते हैं उनसे हमने शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, ये नीचे वाला पॉइंट हमने न्यूट्रल बनाया, ऊपर वाला पॉइंट हमने फेस बनाया है, और वायर के कलर्स पर आप ध्यान मत दीजिए, वायरिंग को समझिए, क्योंकि अभी अपने पास वायर ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इन्हीं वायर्स की सहायता से आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, बल्ब को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक ये होल्डर ले रखा है, और इसके दोनों वायर्स को हमने ब्लैक और ब्लू येलो वायर से कनेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ आपको कनेक्शन करने हैं, और उसके बाद हम इस होल्डर को टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमने ये बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस बल्ब का ये ब्लैक वाला पॉइंट जो है इसको हमने न्यूट्रल बनाया है, और येलो वाले पॉइंट को हमने फेज़ बनाया है। तो ये ब्लैक वाला जो वायर है, इस वायर को हम डायरेक्ट फेज बोर्ड में देंगे, स्विच बोर्ड में, और जो ये फेज़ है इसको हम जो स्विच हमने टू वे स्विच यूज़ करे हैं उसकी सहायता से इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो देखिए वायरिंग हम लोगों को कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस बल्ब का जो ये येलो वाला वायर है इसको हम इस स्विच के मिडिल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस मिडिल पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए कनेक्ट हो गया, और ये फेज वायर, ये जो न्यूट्रल वायर था इसको हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट हमारा सप्लाई से जाएगा, उसके अलावा जो हम लोगों का फेज़ है वो हम स्विच से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये वायरिंग आपने देख ली है, आप फिर से एक बार इसमें देख लीजिए ध्यान से, फोकस, हाँ ये फोकस ले लिया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्विच की वायरिंग ऐसे करी है, दोनों स्विच के बाहर पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया है, बल्ब के फेज़ वाले पॉइंट को न्यूट्रल के मिडल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब आपको ये वाला, इसका जो मिडल वाला पॉइंट है, इसमें फेज़ वायर कनेक्ट करना है। इसमें फेज़ वायर कनेक्ट कर दिए, और न्यूट्रल जो ये बल्ब वाला है इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, और आप फिर ऑपरेट करके देखेंगे आपकी वायरिंग अच्छे से हो चुकी होगी और वर्क करेगा आपका। तो दोस्तों, आप लोग वायरिंग एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर हमने जो स्विच है उसके बाहर वाले पॉइंट को शॉर्ट किया है, उसके अलावा जो होल्डर है उसका फेज़ वाला पॉइंट हमने इस स्विच के मिडिल पॉइंट में दिया हुआ है, और स्विच अगले स्विच का जो मिडिल पॉइंट है उसको हम डायरेक्ट इस वायर के थ्रू सॉकेट से कनेक्ट करेंगे, यानी कि सप्लाईज में देंगे। और होल्डर का जो ये ब्लैक वाला वायर है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों वायर्स को हम सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो हम स्विचों को दबा के देखेंगे कि हमारी जो वायरिंग है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो चलिए हम लोग सप्लाई के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है।
तो दोस्तों देखिए, हमने इस सर्किट को, अपना जो सर्किट था उसको मेन सप्लाई से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और आपको मैं अब इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। आप ये स्विचेस देखिए, तो ये स्विचेस, दो स्विच वो हैं जो आपके जीनों के एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे लगे होते हैं। सपोज़ करिए कि आप इस पॉइंट से चढ़ते हैं जीने पर और इस पॉइंट पर पहुँचते हैं, जैसे ही आप मतलब चढ़ना शुरू करते हैं तो ये स्विच आपको मिलता है। तो आप इस स्विच को कुछ इस तरीके से जब दबाएंगे तो आपका बल्ब ऐसे ग्लो करना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद जब आप दूसरे स्विच पर पहुंचेंगे, मतलब आप जब एक फ्लोर चढ़ लेंगे और दूसरे स्विच यानी कि इस वाले स्विच पर पहुंचेंगे, तो आप इस स्विच को ऐसे दबाएंगे तो अपना जो बल्ब होगा वो ऑफ़ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो अपनी वायरिंग है जीने की वायरिंग, वो इस तरीके से काम करेगी। एक बार फिर आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप वापस आते हैं यहाँ से, ऊपर चढ़ के आप नीचे आप जा रहे हैं, तो यहाँ से अंधेरा है तो आपने यहाँ से ऑन कर दिया तो ये बल्ब जलने लगा। उसके बाद आप जब नीचे उतर गए हैं और इस स्विच को दबाया तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके स्टेयर केस वायरिंग यानी जीने की वायरिंग। आशा है आप सभी को ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हुए हैं आप। उसके अलावा दोस्तों ITI से संबंधित जो भी आपको न्यूज़ है और ITI से संबंधित प्रैक्टिकल और क्लासेस आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।